खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया, हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं यह देश की नीति रही है। कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। इसलिए परीक्षण का फैसला किया गया। उसके कारण कुछ कठिनाइयां आएंगी हमें मालूम था, लेकिन देश उन कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करेगा यह भी हमको विश्वास था और ऐसा ही हुआ। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके। लेकिन परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। सचमुच में पोखरण में हम एक और परीक्षण कर सकते थे, लेकिन जब हमें लगा कि वैज्ञानिक तकाजा पूरा हो गया है तो उस परीक्षण को हमने छोड़ दिया। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता है। युद्ध टालने के लिए उनका प्रयोग हुआ है। इतने वर्षों तक यूरोप में शांति रही, दो शिविरों में बटे हुए विश्व में युद्ध नहीं हुआ। इसके मूल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि शक्ति संतुलन है और इसलिए एक दूसरे को छेड़ने से बाज आना चाहिए। डिटरेंट के पीछे यही परिकल्पना है।
इस पर सारा सदन विचार करे, इस बात की आवश्यकता है। आलोचना तो अग्नि दो की भी हुई है, और उस दिन बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ जब सवेरे हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे एक पुराने मित्र ने, हमारी एक पुरानी मित्र ने हमारे ऊपर दोषारोपण किया कि हम दबाव में आ गए हैं, इसलिए अग्नि टू का परीक्षण रोक दिया गया है। और उसी समय परीक्षण हो चुका था और अग्निशिखा अपने गंतव्य की ओर दौड़ रही थी। अगर उस दिन हम परीक्षण न करते तो वो उनका वक्तव्य भ्रम पैदा कर सकता था। विदेशों में भी भ्रांति उत्पन्न कर सकता था। अध्यक्ष महोदय, 13 महीने के अपने कार्यकाल में कभी हमने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कोई फैसला नहीं किया, न हम आगे करेंगे। प्लासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, लड़ाई का परिणाम सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। देश के भाग्य का निर्णय होने जा रहा था, मगर उस निर्णय में सारा देश शामिल नहीं था। विदेश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान गया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूं, गजनी। पहले वो मेरी बात उनकी समझ में नहीं आई, कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, गजनी में कोई 5-स्टार होटल नहीं है, गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे। मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता, मेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरावस्था में पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गजनी छोटी सी जगह है, छोटा सा गांव है। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। हमने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया, हमने उन्हें हथियार नहीं उठाने दिए। मार्शल नॉन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बांट दिया। वो लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया, पुजारी देखते रहे, मंदिर की पूजा भक्तों को करना पड़ती है, मंदिर तो एक प्रेरणा का केंद्र है। मैं देशपांडे जी की तरह से नास्तिक नहीं हूं, मगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आदर करता हूं, उसका सम्मान करता हूं। वो जिस आत्मविश्वास से नास्तिक होने की बात कहते हैं,
तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, वो सचमुच में नास्तिक नहीं है। जिसकी आस्तिकता है, जिसका विश्वास है, वो नास्तिक कैसे हो सकता है? विश्वास किस में है ये बड़ी बात नहीं है, विश्वास है या नहीं। हमने समाज के बहुत से बड़े वर्ग को विश्वासहीन बना दिया। लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वेद पढ़ने के दरवाजे बंद कर दिए। इसलिए हम पादाक्रांत हुए। अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आए? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है, कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। ही वॉज वन ऑफ अवर फोर फादर्स। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि राम, श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं, उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है, आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती, थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। तो हमने